पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जो हमने कभी नहीं देखी और ना ही हम कभी उसे देख सकते हैं। वहां जाने का ख्याल भी आपको जलाकर राख कर सकता है। एक्सट्रीम हीट और प्रेशर उस जगह की खासियत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कि अर्थ कोर की। अब तक शायद आपने साइंस फिक्शन और मूवीज से ही अर्थ कोर के बारे में जाना होगा, लेकिन चलिए फिर भी आज हम आपको ले चलते हैं अर्थ कोर के सफर पर और चलिए जानते हैं कि आखिर इसके भीतरी हिस्से में धधकते लावा के अलावा क्या छिपा है। आखिर ऐसा क्या है जो वहां के तापमान को इतना बढ़ा कर रखता है। दोस्तों, आज इंसान ने कुछ नहीं छोड़ा है। विशाल महासागर की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने से लेकर चांद पर कदम रखने तक हम सभी पड़ाव पार कर चुके हैं और सबसे गहरी जगहों को भी टटोल कर देख चुके हैं। लेकिन जो चीज हम आज तक नहीं देख पाए हैं वो है जमीन के नीचे का संसार। सीधी भाषा में कहें तो वो दुनिया जो हमारे पैरों के नीचे है, यानी कि अर्थ कोर। कितनी अजीब बात है ना कि पृथ्वी की सतह से 2000 मील नीचे मॉल्टेन और गर्म मैग्मा का विशाल महासागर है। वहां पहुंचने से पहले ही इंसान जलकर राख हो सकता है। लेकिन यह भी एक सच है कि पृथ्वी पर जीवन की एग्जिस्टेंस के लिए ये विशाल महासागर ही जिम्मेदार है। हमारा अस्तित्व इसी की देन है। हमारी सतह से कई किलोमीटर नीचे ये महासागर अपने दानवी रूप में आज भी बरकरार है। सूरज जितनी गर्मी समेटे हुए अर्थ कोर में बहुत सारी एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अलावा इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आधुनिक साइंस इस राज पर से पर्दा खोलती है कि पृथ्वी का केंद्र एक पावर हाउस की तरह है जो पूरे ग्रह को चलाने का काम करता है। इसमें मौजूद लिक्विड मेटल भारी मात्रा में जायंट करंट को बनाता है जो मैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और यही मैग्नेटिक एनर्जी वेव्स के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलती है और हमें अंतरिक्ष में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो आपको बता दें कि पृथ्वी के कोर से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी आउटर स्पेस में अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है जो स्पेस और सूरज से आने वाले हैवी रेडिएशन से हमें बचाती है। दरअसल सूरज अपने किरणों के साथ कई हानिकारक रेडिएशंस को भी धरती की तरफ छोड़ता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चलते वो हम तक नहीं पहुंच पाती। ये मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सबसे दिलचस्प बात है कि इसके प्रोडक्शन के लिए हमारा अर्थ कोर जिम्मेदार होता है। पृथ्वी के घूमने से अंदर मौजूद लावा के महासागर गर्म रहते हैं और मैग्नेटिक एनर्जी बनाते रहते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि धीरे धीरे ये सब कुछ बदल रहा है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का दिल ठंडा पड़ रहा है। धीरे धीरे इसकी रोटेशन कम हो रही है, और अगर ऐसा हुआ तो धरती अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो देगी और एक दिन मंगल की तरह बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे मंगल ग्रह ठंडा पड़ गया रोटेशन के धीमे होते ही, एक दिन पृथ्वी का भी यही हाल होगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के कोर में मैग्मा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कोर के अंदर इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी के कोर का 99% हिस्सा अब भी ऐसा है जिसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसके गहराई में आज भी कई क्षेत्र हैं जहां लाख कोशिश के बाद भी नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में अगर आप पृथ्वी के कोर तक जाने का सपना देखते भी हैं तो आपको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी कि शिकागो से लंदन के बीच का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस भले ही हवाई यात्रा से कम लगता है, लेकिन जब आप इतनी गहराई में जाते हैं तो अंदर जाने के साथ साथ तापमान में जोरदार वृद्धि होती है, और यही वृद्धि आपको आगे जाने से रोकती है। जमीन से नीचे जाने के लिए आज तक जो गुफा बनाई गई है वो भी हमें केवल कुछ मील नीचे ही पहुंचाती है। इसके अलावा कुछ गोल्ड माइंस भी हैं जो पृथ्वी में 2.3 मील गहरी हैं। साउथ अफ्रीका में मौजूद इन माइंस में तापमान 54 डिग्री तक पहुंच जाता है। बात करें सबसे गहरे गड्ढे की तो जिक्र कोला सुपर डीप बोर होल का आता है जो जमीन में 40,230 फीट गहरा है। लेकिन दिलचस्प बात है कि इतना गहरा होने के बाद भी ये गड्ढा पृथ्वी के केंद्र से 3,955 मील दूर है। इससे अंदाजा लग जाता है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। हमारे ग्रह की सतह बिल्कुल एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज को खोलने पर एक के बाद एक लेयर सामने आती है, ठीक उसी तरह सतह से अंदर जाने पर अलग अलग सतह हमारे सामने आती है।
सबसे पहले शुरुआत अर्थ क्रस्ट से होती है। ये पृथ्वी की सबसे पतली और आउटर लेयर होती है। इस लेयर का निर्माण रॉक से हुआ है और इसकी गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक सीमित है। 70 किलोमीटर के बाद शुरू होती है पृथ्वी की वो लेयर जो 1800 माइल्स गहरी है। अर्थ की इस मोटी लेयर को हम मेंटल के नाम से जानते हैं। हालांकि मेंटल लेयर दो हिस्सों में बटी होती है, लेकिन इसके बाद शुरू होती है पृथ्वी की सबसे गर्म, अनदेखी और अनएक्सप्लोर्ड लेयर। हम बात कर रहे हैं अर्थ कोर की। अर्थ कोर पृथ्वी की वो लेयर है जिसका आकार हमारे चांद के बराबर है। इस हिस्से के भी दो डिवीजन हैं, जिसमें बाहरी लेयर को हम आउटर कोर कहकर बुलाते हैं, जबकि सबसे आंतरिक हिस्से को इनर कोर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का इनर कोर वो डेस्टिनेशन है जिसे एक्सप्लोर करने का ख्वाब हर जियोलॉजिस्ट देखता है। लेकिन सवाल उठता है कि मौजूदा तकनीक के साथ इतनी गहराई में आज तक कोई जा क्यों नहीं पाया है, और वहां मौजूद हीट और प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है। दोस्तों, ये जानने के लिए अगर हम किसी स्काई डाइवर को आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे अर्थ कोर में भेजते हैं, तो उसे नीचे पहुंचने में लगभग 32 घंटे का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में वो जमीन पर 1 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन उससे अंदर का सफर बेहद ही मुश्किल होगा। गुफा या होल से केंद्र की ओर जाते हुए स्काई डाइवर को अर्थ क्रस्ट की लेयर तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा। इस दौरान वो 40 मील का सफर पहले ही तय कर चुका होगा। अर्थ क्रस्ट को पार करने के बाद बारी आएगी पृथ्वी की सबसे मोटी सतह यानी कि मेंटल की। 1800 मील मोटी इस लेयर को पार करने में स्काई डाइवर को 15 घंटे लगेंगे। हालांकि यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्काई डाइवर बिना किसी परेशानी के मेंटल लेयर में इतनी गहराई तक उतर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन का आंतरिक भाग बेहद गर्म है। साथ ही साथ अंदर जाने का प्रेशर भारी मात्रा में बढ़ता जाता है। इसके अंदर उतरना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप सूरज की सतह पर कदम रखें। ऐसे में एक इंसान के शरीर के साथ वहां क्या हो सकता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, हम ये तो समझ जाते हैं कि अर्थ कोर का सफर इंसान के लिए नहीं बना है, लेकिन एक दिलचस्प सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर अर्थ कोर में तापमान इतना ज्यादा क्यों है। विज्ञान हमें बताता है कि कोर के ज्यादा तापमान का कारण इसकी फॉर्मेशन से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी एक आग के गोले से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, जिसकी सतह पर चारों ओर केवल धधकता लावा था। 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसे कई विनाशकारी घटनाओं से गुजरना पड़ा। कई एस्ट्रॉइड से भी इनका टकराव हुआ, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट उत्पन्न हुई। हालांकि वक्त के साथ हमारी जमीन तो ठंडी हुई और आउटर कोर सख्त हो गया, लेकिन पृथ्वी का कोर हमेशा के लिए गर्म रह गया। सख्त आउटर कोर ने इनर कोर की गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लिया। यही वजह है कि आज भी हमें इनर कोर गर्म होने के साथ लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन अंदर जाते हुए केवल गर्म तापमान ही परेशान नहीं करता, बल्कि प्रेशर भी हमारी मुश्किलें बढ़ाता है। कहते हैं कि केंद्र में तापमान सतह से 3.5 गुना ज्यादा होता है। इतने प्रेशर में इंसान का सर किसी तरबूज की तरफ फटकर तबाह हो सकता है, फिर शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। वैज्ञानिक अक्सर अपनी तकनीक की मदद से कोर में बिल्ड होने वाले प्रेशर को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ताकि परिणाम का पता लगा सके। लेकिन सभी अध्ययनों से एक बात तो साफ होती है कि इंसान का नीचे कोर तक पहुंच पाना असंभव है। अगर इंसान वहां तक जाना चाहता है तो उसे तकनीक का सहारा लेना ही होगा। आज भी वैज्ञानिक अर्थ कोर में जाने के लिए कई तकनीक और योजना बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि केंद्र में मौजूद पॉइंट को छू सकें। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम एक गड्ढे के सहारे जमीन में गर्म लावा डाल दें, तो ये नीचे जाते हुए हमारे लिए केंद्र तक का रास्ता बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम अर्थ की फॉर्मेशन के सभी राज जान पाएंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। आज तक इस योजना को आजमाया नहीं गया है, लेकिन अगर ये सच होता है तो हमें कोर की सभी जानकारियां हासिल हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी इंसान अर्थ की कोर तक जा पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अर्थ कोर के दूसरे पार्ट में हम इससे हटकर कुछ ऐसे तरीके भी खोजने का प्रयास करेंगे जिससे हम पृथ्वी के अंदरूनी भाग में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।